गुरु जी की नगरी, प्यार की नगरी और स्वाद की नगरी, अमृतसर की गलियों से बाजारों से एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर। बहुत पुराना और भारत का ये लास्ट स्टेशन है जिसके आगे पाकिस्तान का बॉर्डर है। और मैं आपको बता दूं, इस स्टेशन की जो कनेक्टिविटी है भारत के सभी बड़े शहरों से, बात जब रेलवे स्टेशन की होती है तो बात जायके की होती है, लेकिन देखा जाता है कि आसपास जो है इतना बढ़िया जायका नहीं मिलता है। लेकिन आज मेरी और मेरे साथ मेरे बड़े भाई गगन पाजी की ये कोशिश रहेगी कि आपको अमृतसर रेलवे स्टेशन के आसपास के बढ़िया जायके दिखाए जाएँ। और गगन पाजी क्या बोलेंगे? बढ़िया सत्कार सारे ने, बहुत बहुत प्यार। सो यस, रेलवे स्टेशन की बड़ी सिग्निफिकेंस हैगी है, अमृतसर शहर की बड़ी बड़ी सिग्निफिकेंस है। 1931 रेलवे स्टेशन बनया सीगा। सो अज साडी कोशिश है तुहानू वधिया वधिया टेस्ट जिहड़े आ वो आसपास असीं तुहानू दिखाइए, सो दैट जदों तुसीं कदी अमृतसर ट्रैवल करदे हो तुहानू ईजी होए, तुहाडे लई इनफॉर्मेटिव हो जाए। तो चलिए चलते हैं जनाब अमृतसर वॉकिंग टूर के साथ और दिखाते हैं आपको अमृतसर रेलवे स्टेशन के आसपास के बढ़िया बढ़िया जायके। चलिए चलते हैं। ये आप येलो कलर की बस यहाँ पर देख सकते हैं, ये फ्री बस सर्विस है जो यहाँ से श्री हरमंदर साहब गोल्डन टेम्पल की तरफ जाती है और 24/7 ये सर्विस दी जाती है जो भी कोई श्रद्धालु या टूरिस्ट जो है अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, और यही सर्विस वहां से यहां भी आती है। तो दोस्तों, अमृतसर के रेलवे स्टेशन के जायकों के सफर में हमारी जो पहली मंजिल है वो है काका जी का स्पेशल अमृतसरी कुलचा। स्टेशन के पास आपको बहुत से कुलचे वाले मिल जाएंगे, लेकिन पर्सनली बीइंग एज ए लोकल जो सबकी पहली पसंद रहती है वो रहती है काका जी का अमृतसरी कुलचा। और जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हैं, किसी भी समय आप यहाँ पर आएंगे, आप देख सकते हैं कि इनके कुलचे के चाहने वाले पूरे एकदम से काट को घेरे हुए, और स्पेशल रहता है इनका क्रंची क्रिस्पी कुलचा रहता है। छोलों की क्वालिटी ऐसा माना जाता है कि बहुत सही मिलती है, वाजिब मिलती है एज़ कम्पेयर टू दूसरों दुकानों के, और साथ में चटनी दी जाती है। और अमृतसर और अमृतसरी कुलचा, हाँ बिल्कुल जी, मैं फर्स्ट टाइम मैं टेस्ट करने आया, सो लेट्स सी जो तनी तारीफ सुनी है वो उस काबिल है कि नहीं है। अरे वाह, तो जनाब नज़ारा बड़ा प्यारा है जी, और तंदूर से जो गर्मा गर्म कुलचे हैं वो निकाले जा रहे हैं, और मेरे साथ इस समय सोनू पाजी, हाँ, और क्या बात है। और ये देखिए जी, अभी मालिश होगी, और ये क्या जी मक्खन। और सोनू पाजी कितने साल हो गए यहाँ पर ये बताएं? 50 साल से ऊपर हो गए। 50 से ऊपर हो गए? और कितने रुपए का कुलचा खिलाया हुआ है जी अमृतसरियों को? 50 पैसे का। और आज कितनी कीमत हो गई? 50 रुपए हो गई है। अरे वाह, और पैकिंग हो रही है, और दाएं बाएं आप जिधर भी देखें नज़ारे हैं। पाजी कैसा है जी कुलचा? बढ़िया जी, गुड है। और इनके कुलचे की जो खासियत रहती है ना, मैदा लिया जाता है, उसकी लेयर्स बनाई जाती हैं, उसमें घी लगाया जाता है, फिर उसको कटिंग की जाती है, फिर उसके पेड़े किए जाते हैं, फिर उसमें मसाले भरे जाते हैं, आलू की स्टफिंग की जाती है, प्याज रहता है, और मिर्च दिल खोल कर खिलाई जाती है, आपसे पूछा जाता है हालांकि लेना चाहेंगे या नहीं, और तब जाकर कुलचा तैयार किया जाता है, और बड़े प्यार के साथ सलीके के साथ तंदूर के बीच में लगाया जाता है, और 7 से 8 मिनट लगते हैं तंदूर से बाहर निकालने में, और जैसे ही कुलचा बाहर आता है तो वो बता देता है कि क्यों काका जी का अमृतसरी कुलचा फेमस है। और पाजी लगाएं, हमारे कुलचे भी लगाएं। पाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। जनाब ये दूसरा कुलचा है, मेरा ध्यान पूरा है आपकी तरफ। और कैसा लगा जी? बहुत इन्हां दा नंबर 1 दा कुलचा अमृतसर दे विच, बेस्ट कुलचा मेरे ख्याल नाल, बाकी हो सकदा सानू ना पता होवे। ते मैं सन 85 तों लगातार ही खा रहा इन्हां दे कोल, एवरी संडे जां जदों वी साडे कोल अज हुण छुट्टी सी ते मतलब आ के कुलचा खाने, मेरे ख्याल बेस्ट टेस्ट है अमृतसर। और ये नज़ारा चेक करें, ये जा रहे हैं जी छोले। और सोनू भाजी ये मिट्टी का बर्तन है जी? हाँ जी, मिट्टी का बर्तन है जी। जनाब मिट्टी के बर्तन में छोले मैं पहली बार देख रहा हूँ। गर्म रहते हैं और टेस्ट अच्छा रहता है। गर्म रहेंगे और टेस्ट अच्छा रहेगा, क्या बात है। और ये क्या आ गया जी? ये प्याज की चटनी है। ये आ गई साथ में प्याज की चटनी है, पुदीना रहता है जी? हाँ जी, और इमली रहता है। इमली, और बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। और बहुत जगह से मैंने अमृतसरी कुलचे छोले खाए हुए हैं, ज़्यादातर पतीले में रखे जाते हैं, लेकिन ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट है इनका कि मिट्टी की हांडी है, मिट्टी के बर्तन है, छतल आरना है, दोनों चीज़ें रखी जाती है, अमेजिंग। और ये आगे जी हमारे अमृतसरी कुलचे। अरे वाह, तो जो मक्खन है अमूल का बटर है उसकी मालिश की जाती है, और कुलचा जो है क्रश किया जाता है। और ये चेक करें आप, हर कुलचे को अच्छे से मालिश की जाती है, और अब जाकर जो कुलचा है वो कम्प्लीट होता है जी, अमृतसरी कुलचा। हाँ, और ये जा रहे हैं जी छोले।
आप पहले छोले प्लेट में देते थे? हाँ जी, वो बंद कर दिया क्या सर? तो जी हमारा पहला जायका आ चुका है और इधर आइए और चेक कीजिए, कुलचा एकदम से गोल्ड ब्राउन कलर का है, जो क्रंच है, क्रिस्प है, वो देखते लायक बन रहा है, और साथ में छोले हैं, साथ में चटनी है, और वैसे अभी भूख भी लग चुकी है, पूरी भूख चमक, और अमृतसरियों की पहली पसंद कुलचे रहते ही रहते हैं। और इधर आइए और ये चेक कीजिए, ये देख रहे हो आप, कुलचे की पहचान होती है कि उसके अंदर फिलिंग कैसी करी गई है, बाहर का टेक्सचर कैसा है। और ये लेते हैं जी बड़ी सी बाइट, लीजिए गगन भाजी, और ये आगे छोले, चटनी, और ये बाइट तैयार है जी हमारी, काका जी का कुलचा अमृतसर रेलवे स्टेशन के पास, लीजिए गगन भाजी। आप पहली बार खा रहे हैं, आप बताएं? जिन्ना सुनिया सीगा वो तो बढ़िया, बहुत वेरी टेस्टी। कुलचे की फिलिंग जबरदस्त है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेक्सचर वाइज बढ़िया है, मिर्च हल्की सी ज़्यादा है लेकिन वो पूछा जाता है, उससे बेहतरीन मेरे को लग रहे हैं इनके छोले, अच्छे लग रहे हैं मेरे को, चटनी अच्छी लग रही है, तो टोटली मिलाकर एक बढ़िया जायका है। क्योंकि अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करूँ किसी भी बड़े छोटे शहर की, तो च्वाइसेस जो हैं खाने की बहुत कम रहती हैं, यहाँ पर बढ़िया खाना मिलता है। बहुत पास में है लिबर्टी मार्केट है रेलवे स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट, तो वहाँ पर ही आपको मिलेंगे, सुबह आ जाते हैं तकरीबन 1-1.5 बजे तक ये फ्री हो जाते हैं, तो 50 रुपये इसकी कीमत है, 50 पैसे का भी इन्होंने कुलचा खिलाया हुआ है, और मज़ा आ गया गगन भाजी, शुरुआत अच्छी हुई हमारी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सोनू भाजी, और काका जी को हमारा सत श्री अकाल बोलिएगा, ठीक है जी। तो चलिए इसे ख़त्म करते हैं, चलते हैं दूसरे जायके की तरफ, और ये मार्केट भी बहुत फेमस है, आपको मार्केट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, चलिए। तो जनाब हमने कुलचा खा लिया है, और कुलचे के साथ साथ यहाँ की जो मार्केट है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और मार्केट यहाँ से शुरू हो जाती है। बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सत श्री अकाल जी। और की कहते इस बाजार नु की नाम है? तू स्टार्ट विद ये ते इसनु गुरु नानक मार्केट नाम से चली सी जी, ते फिर ग्रेजुअली ओदे बाद ये लंडा बाजार बन गया। अच्छा। हाँ, ते कोई लोग इन्होंने चोर बाजार भी कहते, क्योंकि तू स्टार्ट विद लोग अपना बड़ा एग्जॉर्बिटेंट रेट दसते हैं, बाद फिर थले भी आ जाते हैं। लंडा बाजार क्यों किया जाता है? लंडा बाजार इस करके किया जाता है, इतने जो रैक्स वगैरह आते हैं वो उतो लाहौरों आते हैं। अच्छा। स्टेशन बस सफर लाहौर स्टेशन तो बाहर भी बाजार है, उतों क्योंकि आता से उन्होंने फिर गुड़ती इतने भेजती। क्या बात है। तो जनाब ये जो सवाल जवाब हुए हैं, जो जानकारी अंकल जी से मिली है बड़ी प्यारी सी, ये हमें भी नहीं पता था कि क्या बोला जाता है और क्यों उसका नाम कैसे पड़ा, बड़ा अच्छा लगा जी। बहुत बहुत देखा ही आप बजा चाहती मारी है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। क्या बात है, तो क्या बात है जी। अच्छा, बड़ा तंग सा ये बाज़ार है, पतला बाज़ार है, और मेरे को याद है कि जब हम बचपन में यहाँ पर आते थे तब वीडियो गेम चलती थी, उसकी कैसेट लेने हम इस बाज़ार में, वीडियो गेम्स, कड़ियाँ, जो जो भी साड़िया उस वे एसेसरीज होंगे सी, ये उस वे एसेसरीज की मार्केट सी, इतों एसेसरीज परचेज होंगे सी। क्या बात है। मैनू वो दुकान भी याद है जिथे मैं आता हूँ सी, अगर वो दुकान होएगी तो आप जरूर एक बार उन्होंने दिखावे। क्या हाल है भाजी, चश्मे वगैरह मिल रहे हैं? हाँ, कितने से शुरू हो जाता है? 150 रुपये से। वाह। शूज़ वगैरह भी मिल जाते हैं इस बाजार से, कपड़े वगैरह जो मर्जी लो? क्या बात है। तो चश्मे, शूज़, एक्सेसरी, बहुत कुछ है इस बाज़ार में, और जो रेट रहता है आप में थोड़ी सी वो होनी चाहिए बार्गेनिंग करने की, वो हाँ, तो आप सस्ता ले लेंगे यहाँ से। वाह। ये देखिए जनाब पजामे पाजी, कितने का? कितने का ये? 300 का। थोड़ा कम? 300। थोड़ा कम? मेरी पावर भी नहीं है बार्गेनिंग करने की। अच्छा, वैसे कितना है बताने वाला, कितना रहता है? 400 ज़्यादा नहीं कम ही। ये भाई मेरा क्या नाम है आपका? रघु भाई मिले हैं, और अगर आपने लेना होगा कितने का मिल जाएगा रघु भाई? 300 ही मिलेगा भाई। तो आप एक दुकान बता रहे थे जी? हाँ, बचपन में एक दुकान पे आना होना सीगा, बिल्कुल अंकल मिल गए सानू, मैं ना कोल बचपन में अपनी एसेसरीज, चश्मे, घड़ियाँ, होर जो समान होंगे ने, मैं सारे इन्होंने को लेके जाना होना, मैं अपने दादा जी ना आता होंगे सी, मैं लेके आते होंगे। सो बचपन दे जिहड़ियां ज़्यादा जुड़ियां होंदियां ना, वो बड़ा अच्छा फील करवांदियां जब दोबारा। बिल्कुल वही याद आ रहा है, दादा जी की याद आ रही है। घड़ियाँ, दूरबीन, बचपन जो बच्चों छोटे समान जी सब मैं इतों इन्होंने को लेके जाता हूँ। टाइम के नाल ना लोग भी चेंज हो गए, बारगेनिंग घट गई है, वो ट्रेंड घट गया, बहुत खत्म हो गया ऑलमोस्ट। तो ये रेलवे स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट है, और क्या डिफरेंट डिफरेंट नाम है,
और बाबा जी ने बताया कि इस कारण से इसका नाम लिया जाता है। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, बहुत सा सामान है, यहाँ घूमने फिरने के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है जी, और हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो भी बड़ी प्यारी है, बड़ी फेमस है, और चलिए वहाँ पर चलते हैं। चले जी? यस चलो चलो। हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जायकों के सफर में बहुत खास है। हम इस समय पहुंचे हैं वैष्णो भोजन भंडार पर, और जायके की बात करूं तो यहां पर एक खास किस्म की जो छोले हैं वो तैयार किए जाते हैं, साथ में उसका सूप रहता है, और ये छोले और सूप खाए और पिए जाते हैं कुलचे के साथ और चावल के साथ, और अकेले भी लोग स्पेशली यहाँ पर आते हैं इनकी स्पेशल तरी पीने के लिए। पुरानी दुकान है, पुराना जायका है, तो आइए चलते हैं। आज तो नहीं, टाइम 50 साल हो गया, बहुत बढ़िया चीज़ है, पीने वाला पी के देखो। सब तो स्वाद सेहत वास्ते बहुत बढ़िया जी, जिन्हों कोई पेट की प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, कमजोरी आ, सूप पियो, छोलियाँ का सूप पियो। नमस्कार सर, जी क्या हाल चाल है जी? बात बढ़िया जी, और बड़ी तारीफ सुनी है जी आपके छोलों की, सूप की, और वैष्णो भोजन भंडार। अरे वाह, और कितना पुराना काम है जी ये? 96 का है। अच्छा, 60 साल से ऊपर हो गया। हाँ जी, हमारे पिताजी करते थे। 72 में ये दुकान ली। हाँ, पहले ये रोड पे पीपल के नीचे काम कराया करते थे। अच्छा। हाँ जी, तो पहले जो शुरुआत हुई पीपल के पेड़ के नीचे से थे, या चुंगी होया करती थी, वो वाली चुंगी होती थी, उसके पास ही दुकान है। तो आपने जमाना बदलते देखा है जी आसपास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सर दिखाएंगे हमें खास आपके छोले कैसे, इसको हटा सकते हैं थोड़ा टाइम के लिए? हाँ, इसको हटा दीजिए। अरे तो जनाब ये चेक कीजिए, ये कोफ्ता, ये कोफ्ते हैं। ये क्या है जी? कोफ्ता, पेंका कोफ्ता है। ओहो, वो जो होता है ना कमल का फूल। हाँ, उसकी जड़े नहीं होते, पेंके जिसे कहते हैं, उसका पेंका कोफ्ता ही है। बिल्कुल डिफरेंट जायका है। और छोले चेक करें जनाब, छोले एकदम से मसाले वाले छोले हैं, और सूखे सूखे छोले हैं। परात भी पुरानी है जी? परात भी पुरानी है। अरे वाह, तो जबरदस्त है। और ये चेक करो जनाब, ये कोफ्ता पनीर होता है, कोफ्ता पनीर, इसमें कोफ्ता पनीर का कोफ्ता डाले बीच में, ये कोफ्ते हैं, ये कोफ्ता है जी, जो तेज मसाले में खाता है ना उसको इसमें से देते हैं। अरे वाह, तो जो नहीं तेज मसाला खाना चाहता उसको हिला के डाल दो तो कोई सॉफ्ट रहता है ये। और जनाब ये चेक करें, बड़े बड़े जो पनीर के पीसेज हैं वो इसमें डाले गए हैं। पनीर का पीस है, ये पनीर के पीस हैं ये। हमारे पास छोले हैं, चावल हैं, कुलचे हैं जी, कोफ्ता मिलता है, पनीर मिलता है। अच्छा। और चटनी मिलती है। हाँ। प्याज की बनाई जाती है, उसमें अमचूरा डाला जाता है, हरी मिर्ची डाली जाती है, पुदीना डाला जाता है। अच्छा। हाँ जी, और एक सूप आपके पास स्पेशल भी रहता है जो अलग से देते हैं? हाँ, ये सूप होता है जी, ये वाला सूप है। हाँ, ये कोई ग्राहक हमारे पास खाता है तो उसको एक गिलास ही हम फ्री में खिलाते हैं। अच्छा, इसके कोई पैसे अलग से नहीं लगते? ये नहीं लेते, कोई और पिएगा, एक्स्ट्रा पिएगा ऐसे पीने वाले तो 10 रुपये लेंगे। क्या बात है, ऐसे डाल के देते हैं, दोनों पीस में डाल के देते हैं। इसमें गया जी चना सूप, और इसमें गया जो स्पेशल इनका सूप है, ये स्पेशल सूप, और ये दोनों मिक्स है। इसमें टमाटर सूप है, पनीर का बीच में असर आ जाता है, सभी का असर आ जाता है। और ये फ्री में है? फ्री में है, इसमें हर एक मसाला बड़ा होता है, और इसका जो है तैयार जो करते हैं ना उसको शुद्ध सरसों के तेल में तैयार करते हैं। अरे, और सर खिलाइए हमें भी, खिलाइए कुलचे, बहुत जगह से खाएं, आज कुलचे नहीं हम खाना चाहते। अच्छा। और क्या खिलाएंगे? चावल, चावल खिलाएंगे, खिलाइए। ये चावल राइस, ये आगे जी चावल, ये आगे छोले, और छोले जनाब मैं रिपीटेड माय वर्ड्स, खास लग रहे हैं खाने से पहले बता सकता हूँ। और ये जो स्पेशल है, क्या बोला था आपने, ककड़ी का रहता है? कोफ्ता, कोफ्ता रहता है, पेंका कोफ्ता, पेंका कोफ्ता, ये स्पेशल है जी। और अभी क्या जा रहा है जी? सूप, इस पनीर, ये गया जी पनीर। वाह, मसाला तेज खाओगे? खाएंगे खाएंगे सर, मसाला पूछ लिया जाता है कि आप तेज खाना चाहते हैं, हल्का खाना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमृतसर में कोई दूसरी दुकान नहीं है जहाँ पर ये जायका आपको मिलेगा जी। ये चटनी, ये आ गई चटनी, और चटनी बड़ी खास है जी, किस चीज़ की? अनारदाने की? अनारदाने की नहीं, ये प्याज की, अमचूरा, आम का अमचूरा। हाँ। तो और हरी मिर्च डाली जाती है। अरे वाह, ये आगे जी हमारे वैष्णो भोजन भंडार के बहुत खास जायका,
इससे पहले पूरे अमृतसर की बात करूँ तो ये चीज़ मैंने नहीं देखी है और अमृतसर के बाहर भी नहीं देखी है। और साथ में आ गया जी सूप है और मज़े हैं जी, और गगन भाजी की थाली लग रही है जी। तो लीजिए जनाब, हमारी प्लेटें आ चुकी हैं। मैंने भी इंतज़ार किया कि गगन भाजी की प्लेट आएगी तभी शुरू करूँगा। बिल्कुल, हमारे साथी हैं जनाब, और ये चेक करें जनाब, बड़ी सुंदर सी प्लेट है। और प्लेट की बात करूँ जिसमें पनीर का 2 पीस आपको दिए जाते हैं, चावल है, स्पेशल जो चटनी है वो है, प्याज है और कोफ्ता है, और कमाल भूख भी लग गई है और बड़ी टेम्प्टिंग सा लग रहा है। टेम्प्टिंग लग रही है, यस बिल्कुल। चलिए जी, ये आ गई जी बड़ी सी बाइट, हल्की सी चटनी, छोले इनके जबरदस्त हैं, पनीर एकदम से सॉफ्ट लग रहा है, चटनी जबरदस्त है, थोड़े से स्पाइसी हैं। लेकिन ये पूछा जाता है कि आप स्पाइसी लेंगे या नॉर्मल लेंगे, मैंने बोल दिया था थोड़े से स्पाइसी कर दें। और क्या बोलेंगे गगन भाजी? स्पाइसी जरूर है, तिखे है, लेकिन जितना बहुत तेज़ मसाला होता है ना, मसाला उतना ज़्यादा तेज़ नहीं है। एकदम से बढ़िया मील है, साफ सुथरा मील है, ऐसा मील है कि आप घर से बाहर हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास है, तो इससे बढ़िया मील आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, व्हाट आई बिलीव। और प्राइस की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में साथ में पनीर दिया जा रहा है, इतना कुछ दिया जा रहा है, अमेजिंग है। और ये भी एकदम से फ्री है जी, चने का सूप है, लीजिए गगन भाजी, लीजिए, ये सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा, कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, देखो सूप। Wow. अगर नंबर देने हो इस फूड को, इस मील को, मैं बहुत कम जगह पर देता हूँ, तो 10 out of 10 मैं इसको दूंगा, और इसको मैं 11 भी दे सकता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। सूप इज अमेजिंग। अच्छा, लोकेशन की बात करूँ, ये मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन का एग्जिट गेट है, और इसके जस्ट सामने ये दुकान है शर्मा भोजन भंडार। 8:30 बजे आ जाते हैं और 12 बजे तक ये खेल ख़त्म हो जाता है। 30 रुपये में बढ़िया मील है, रेलवे स्टेशन के आसपास हैं, तो आइएगा। हम इसे ख़त्म करते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे शर्मा साहब से, धन्यवाद बोलेंगे और चलेंगे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। बिल्कुल, चलिए सर। तो गर्मी बहुत है, और इससे पहले कि कुछ नया स्वाद, कुछ नया जायका चखें, पानी भी पीते रहना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपके हाथ में है जी नींबू पानी और इधर ठंडा लेमन सोडा है, तो पीजिए सर। वाह, मज़ा आ गया। इन्नी गर्मी के बिच इन्नी ठंडी ड्रिंक मिल जाए, अंदर तक तुम्हें ठंडा कर देंगी, मज़ा आ गया। असि इस वेले है जी रेलवे लिंक रोड, और इतने देखो तुम डिफरेंट दुकाना ने, फॉरेक्स एक्सचेंज दियाँ, छोटे छोटे वेंडर्स ने, कपड़िया के रिपेयरिंग शॉप्स ने, बहुत पुरानी मार्केट है, बहुत पुराना बाजार है। इतने ही साड़ी नैक्सट मंजिल है जी, आओ तुम उसे लैके चलते हैं। तो गगन भाजी लेकर आए जी सबरी भठूरा शॉप, वैसे नाम में इनके भठूरा आता है, लेकिन यहाँ का पता लगा है हमें लोकल्स के कि 2 चीज़ें फेमस हैं, एक इनका न्यूट्री कुल्चा फेमस है, दूसरा जैसा नाम बता रहा है, भठूरा तो है ही फेमस है, कि भठूरे फेमस है। तो आज दोनों टेस्ट कराएंगे असि, आओ, एक भाई साहब करेंगे, एक मैं करूँगा। बिल्कुल, और आइए दुकान में। अब जैसे ही आते हैं बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर जो सारा वैरायटी है, जो मेन्यू है वो है भठूरा चना विद पनीर है, स्टफ़ भठूरा है, और लंबा चौड़ा मेन्यू है। खैर, हम डिसाइड कर ही चुके हैं, एक तो हम खाएंगे न्यूट्री कुल्चा और एक स्टफ भटूरा खाएंगे, स्टफ भटूरा टेस्ट। और आइए देखते हैं कैसे तैयारी की जा रही है, और बड़े से तवे के ऊपर जो न्यूट्री है, अमृतसर स्टाइल न्यूट्री, वो बन रही है जी, पूरी टीम है यहाँ पर। और दूसरे तवे की मैं बात करूँ तो जो भटूरे हैं वो वहाँ पर गर्म किए जाते हैं, और साथ में आ गए जी छोले। वाह, ये तड़के वाले रहते हैं मेरे भाई? हाँ जी, तड़का लगा रहता है इसमें। स्वाद की बात करें तो एक तो किफ़ायती है, दूसरा बेस्ट इन अमृतसर, इनका हम काफ़ी सालों से जब भी आते हैं, जब भी मौका मिलता है खाते हैं। एक नई भी शॉप इनकी शायद खुली है बाहर ही, वो भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्ट है। तो जी, हमारी प्लेटें हाथ में आ चुकी हैं, और बात ये हुई है कि हम शेयर करके खाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, दोनों चीज़ें टेस्ट कराएंगे। और इधर आइए, ये चेक कीजिए, ये भटूरा है, स्टफ भटूरा है। अमृतसर की खासियत है कि अमृतसर में ऐसे 8-10 जगह हैं जहाँ पर आपको स्टफ भटूरा मिलेगा। स्टफ भटूरा क्या रहता है, जिसमें फिलिंग की जाती है, आलू वगैरह इसमें रहते हैं, ये चेक कर सकते हैं। साथ में छोले हैं तड़के वाले, पनीर का बड़ा पीस दिया जाता है, चटनी है, और गगन भाजी आप बताएं। ये आगे जी न्यूट्री, जो अमृतसरियाँ जी पहली पसंद है,
और जगह जगह तो मिलती है लेकिन इन्हों की काफ़ी फेमस है। सो कुलचा कुलचे को थोड़ा ग्रेवी के लपेट के ग्रेवी ना दिता गया, चटनी है, प्याज है, तो बड़ा टेंपटिंग लग रहा है। लीजिए सर टेस्ट करते हैं। लीजिए सर, वाह जी, छोले मेरे को बढ़िया लग रहे हैं। भटूरा जो है ऑलरेडी बना होता है, उसको हल्का सा सेका जाता है तवे के ऊपर, और क्योंकि अंदर फिलिंग है तो ऐसा जैसा जैसा कुलचे का स्वाद आता है उससे मिलता जुलता मैं बोल सकता हूँ। और आप क्या बोलेंगे, कैसा लगा आपको? बहुत माइल्ड फ्लेवर है, तीखा नहीं है। जैसे कई बार ना स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं, मज़ा नहीं आता है, बिल्कुल मिक्स एंड मैच बैलेंस्ड फ्लेवर में, बहुत बढ़िया। और बड़ी बात है, जब हम बात किसी भी बड़े छोटे शहर में रेलवे स्टेशन की करते हैं तो ऑप्शन बहुत रहती है, लेकिन सही पैसे के ऊपर सही ऑप्शन बहुत कम होती है। तो ये एक ऐसा स्टॉप ओवर है, अगर आप रेलवे स्टेशन के आसपास हैं या रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं, टाइम है कुछ खाना खाने का, तो यहाँ पर आ सकते हैं, लंच कर सकते हैं, और दोनों ही ठीक हैं। 60-70 रुपये इसकी कीमत रहती है, ट्राई कर सकते हैं। तो जनाब आज खा पी बहुत कुछ लिया है, बात जब अमृतसर के रेलवे स्टेशन की होती है, बात जब इस कोट रोड की होती है, तो एक जगह है जो समर स्पेशल है, जहाँ पर मिलती है जी चाटी दी लस्सी। चाटी बोलते हैं जड़ी मधानी होंगी है, उन्होंने जरा अपने हाथ में रिड़क के उन्होंने कहते हैं चाटी की लस्सी, जिसके विच मक्खन निकलता है और मक्खन तो जो बाद पानी बचता ना, बटर मिल्क जिन्होंने कहने, बटर मिल्क में बोलते हैं चाटी की लस्सी। सो आओ तुम्हें पिलाने, इन्ना कुछ हैवी खा लिया, उस तो बाद एज ए डाइजेस्टिव काम करता है, हाजमा ठीक कर देता है। सो आओ जो असं पीने ना, मतलब ऐ लगता कि पेट बिल्कुल साफ हो रहा है। एक होंगे हैवी हो जाता, ये साफ होने की चीज़ है, शरीर में वधिया लगता है ना, ठंडी चीज़ है, गर्मियाँ आ गया तो मतलब कमाल की चीज़ है भाजी। तो मैं कहना सारे आओ एक बार चैक करो, भाजी और गए बहुत ही कमाल की चीज़ है। जिसे असं होर भी चीज़ा पीने, चलो इधरों उधरों आप वेख रहे हैं कि साढ़े सामने ही किन्नी इन्नी बड़ी तो बर्फी पा दी जाती है, वो उत्थे जो चीज़ा सूँ खराब कर दया ने। यह जो पीए तो एक तो स्वादिष्ट भी आ, तो दूसरी ये गल आ कि ये साढ़े पेट दिया काफ़ी बीमारियाँ दूर होंदिया ने, पेट साफ हों, हल्का फील हों जो पी लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मिट्टी की हांडी है, मिट्टी का घड़ा है, और जिसके अंदर जो लस्सी है वो रखी जाती है। और दीजिए सर दो कांच के गिलास में, वाह, ये चरिंदा नमक नमक पाया है जी, वाह। और जो कीमत है वो है लिखी हुई है जी 15 रुपये, और आप देखेंगे गर्मियों में ऐसे ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं और एक दो गिलास यहाँ पर लोग पी कर ही जाते हैं। बिल्कुल, लीजिए, क्या बात है, वेरी रिफ्रेशिंग लस्सी। बहुत जगह पर मिलती है, ख़ास तौर से पैकेट वाली लस्सी आजकल तो मिलती है, अवेलेबल है, किसी ब्रांड का नाम नहीं मैं ले रहा हूँ, लेकिन जो देसी स्वाद है ना एकदम से चटकता, डिफरेंस है। देखो जड़ी पैकेट से लस्सी मिलती है, लस्सी चाटी लस्सी और नॉर्मल लस्सी डिफरेंस है, वो दही तो बनती है कर्ड तो, यह जो है मिल्क तो बनती है, जो मिल्क बटर एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, बाद जो मिल्क बचता बटर मिल्क बोलते हैं, तो यह बटर मिल्क है। और ये देख रहे हो आप, बाकी मसाला वगैरह इन्होंने अपने आप से डाला हुआ है, एकदम से बढ़िया टेस्ट है, मज़ा आ गया सरदार जी, बहुत बढ़िया। स्वानी मोटर के साथ ये पड़ता है, कोट रोड पर है, सुखमनी चाटी दी लस्सी। हाँ तो चलिए अभी एक एक गिलास और पियेंगे भाई साहब से। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी कोशिश थी आपको बताना कि अमृतसर रेलवे स्टेशन के आसपास कौन से ऐसे बढ़िया जायके हैं, और प्यार दीजिएगा अभी तक दे रहे हैं। और एक और खुशखबरी की बात है कि हमारे बड़े भाई गगन पाजी ने भी फेसबुक के ऊपर अपना जो पेज है शुरू किया है, पाजी नाम बताएं, टर्बन टेल्स, TURBANED TALES, टर्बन टेल्स। और जितना प्यार आप इधर दे रहे हैं उतना ही प्यार इधर भी देना है, बड़ी शानदार वीडियो डाल रहे हैं ये, और मज़ा आ गया। कैमरे के पीछे मेरा छोटा भाई दमन है, और प्यार ऐसे ही दे दिएगा, हंसते बसते रहो, सदा ही खाना जब यू आर।